वाई मॉडरेट फीवर इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। हमारे जिस्म के लिए मॉडरेट फीवर क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन पास पेपर 2021 में पूछा गया था। तो आज के इस लेक्चर में हम इस बात को समझेंगे कि वाई मॉडरेट फीवर इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसको आप बोर्ड में किस तरह लिखेंगे, अ फीवर और पायरेक्सिया इज अ बॉडी टेम्परेचर। याद रखिएगा कि फीवर का जो दूसरा नाम है वो है पायरेक्सिया। ये बॉडी का वो टेम्परेचर है जो कि क्या होता है, अबव नॉर्मल सेट पॉइंट, हमारे बॉडी के नॉर्मल सेट पॉइंट से अबव होता है। और हमारी बॉडी का जो नॉर्मल सेट पॉइंट है वो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि अल्लाह ताला ने रखा है। The fever in case of infection is a consequence of activity of macrophages. हमारी बॉडी में जो फीवर है वो अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है तो उसके ज़िम्मेदार क्या हैं, हमारी बॉडी के मैक्रोफेजेस यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। मैक्रोफेजेस वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है, और वाइट ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी की पुलिस कहा जाता है। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इनकेस अगर कोई भी इन्फेक्शन यानी कि कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करे तो ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, विच रिलीज पायरोजेंस, ये क्या करेंगे, पायरोजेंस को रिलीज़ करेंगे टू रेज द बॉडी टेम्परेचर। और ये पायरोजेंस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेंगे, रेज करेंगे, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। लेकिन इसका मकसद क्या होगा, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस टेम्परेचर रेजिंग का मतलब होगा कि हमारी बॉडी क्या करेगी, इन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी या उनकी रिप्रोडक्शन को रोकेगी। पैथोजेनिक किसे कहते हैं, देखिए पैथो का मतलब होता है डिजीज़, और जेनिक का मतलब होता है जनरेटर या प्रोड्यूसर, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ को जनरेट करे उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा पैथोजेनिक। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ इतना लिख के आएंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।